हम लेंगे एगलेस केक, आज मुझे मैं बना रही हूँ, तो हम लेंगे 1.5 कप मैदा, 1 कप शुगर, 1 कप कर्ड, 1/2 कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल लेंगे, वनीला एसेंस लेना है हमें, 1/4 2 टेबल स्पून हम लेंगे कोको पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग सोडा आपका, और 1 1/4 चाहिए हमें बेकिंग पाउडर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस क्या है। 1 कप कर्ड ले लेते हैं, और ये 1 कप शुगर हम इसे एक साथ व्हिस्क करेंगे। हमें इसको तब तक व्हिस्क करना है जब तक हमारी शुगर इसमें डिजोल्व नहीं हो जाती है पूरी तरीके से। डायरेक्शन नहीं यूज कर सकते हैं, 1 डायरेक्शन में करना है कि हमारी आवाज कम हो गई है। लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपके पास शुगर आपको नहीं बाहर से अवेलेबल हो, हम नॉर्मल शुगर यूज करते हैं, आप उसको भी पीस कर इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए हमारी शुगर की आवाज आनी कम हो गई है, ये हमारा शुगर जो है वो डिजॉल्व हो गया है। बेकिंग सोडा करेंगे, मिला करके हमें इसे, ये देखिए हमारा टेक्सचर इसका चेंज हो गया है, और 5 मिनट्स के लिए हमें इसको सेट होने के लिए रख देना है। तब तक हम अपना ये टिन जो है उसको ग्रीस कर लेंगे। हमें वेजिटेबल ऑयल लेना है, टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। फ्रेंड्स मेरे पास अभी बेकिंग जो बेकिंग के लिए हम पैशमेंट पेपर या यूज करते हैं, या ट्रेसिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं, तो मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं इसको ऐसे ग्रीस कर लूंगी, और इस पे फ्लावर, थोड़ा सा फ्लावर डालकर इसको सेट कर लेंगे, ताकि हमारा केक जो है वो चिपकेगा नहीं। और वनीला एसेंस यूज करेंगे। वन टीस्पून वनीला एसेंस यूज करना है। अब हमारा बचा है फ्लावर और कोको पाउडर, इसको हम एक साथ मिला लेंगे। फ्रेंड्स बेकिंग में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें इसको सीव करना है, सीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से ही हमारे जो एयर बबल्स हैं वो डेवलप होते हैं। हम इसको मिला लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा कर ही फ्लावर को और इसको 180 डिग्री पर बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट्स तक का 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे।
फ्रेंड्स देखिए हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसे नाइफ लेंगे और साइड से ठंडा हो जाने के बाद, हमारा ठंडा भी हो गया है, मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। निकाल लिया ठंडा, इसको आप इस कैसे प्लेट करो और हल्का सा टैप करो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देख रहे ना कितना प्यारा सा स्पॉन्ज आया हुआ है। देखिए सॉफ्टनेस देखिए इसकी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये केक रेडी है, अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। इसका स्पॉन्ज भी देखिए कितना सॉफ्टली कट हो रहा है। ये दिखाती हूँ कितना सॉफ्टली कट हो रहा है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए एक कितना अच्छा स्पॉन्ज आया हुआ है। ये देखिए तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए अपनी मम्मा के लिए। चलिए देखते हैं, गुड बाय टिल देन, मिलते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।